साथ शिखा रस्तोगी आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज़ बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों का। चंदौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें, इस शराब की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। चंदौली पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद शराब की तस्करी नहीं रुक रही। बलवा पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में तस्करी कर ले जाई जा रही अवैध शराब पकड़ी है। बरामद विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद शराब की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, चानिया चौराहे पर बलवा थाना क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, और इसमें थाना प्रभारी बलुआ चौकी इंचार्ज मोहरगंज SI प्रशांत कुमार इस टीम में थे। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। वो वाहन जो है इन लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किया, जैसे ये लोग बचे और फिर दौड़ाकर उस गाड़ी को पकड़ा गया। तो उस गाड़ी को चेक करने के बाद इसमें से 140 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है, एक बोलेरो मैक्स। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में साध्वी प्राची सहारनपुर पहुंची। देवबंद के शिक्षक नगर में जहां CAA के समर्थन में बैठी 18 दिन से महिलाओं का मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, वहीं इन महिलाओं को अपना समर्थन देने देवबंद आई साध्वी प्राची ने कहा कि दो दोस्त मिले तो हिंदुस्तान के अंदर बैठे गद्दारों के दिल जल उठे और उन्होंने दिल्ली में आग लगवा दी। इनका इलाज होना चाहिए और वारिस पठान जिन्हें शेरनिया कहते हैं वो असल में बकरियां हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू महिलाओं से CAA का और ज्यादा समर्थन करने की अपील की है। देखिए, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो अतिथि देवो भव की संस्कृति है, और मोदी जी ने जो काम किया है वो पूरे विश्व में उनका सम्मान बढ़ा है। कुछ लोग हैं जो कि मोदी जी के इस प्रशंसा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और क्योंकि दो दोस्त आपस में मिले, दो दोस्त के दिल मिले और गद्दारों के दिल जले, उन्होंने दिल्ली को जलाया। अच्छा, वारिस पठाना कहना है कि हमारी अभी सैंडी बाहर निकली है, 15 करोड़ है, हम सब पर भारी पड़ेंगे, इसमें क्या कहेंगे आप? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वारिस पठान। रेवाड़ी में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर डिपो में चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया गया। रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड स्थित ब्रह्मगढ़ के पास रोडवेज बस और कार की टक्कर के बाद दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। वही घटना के विरोध में डिपो के कर्मचारियों ने आरोपी कार चालक सहित दोषियों के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेवाड़ी डिपो का चक्का जाम कर दिया और रोष प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन डिपो में पहुंचे और कर्मचारियों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर चक्का जाम खुलवाया। गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस के पास वो चले भी गए थे, उनको गिरफ्तार करने की बजाय उनको छोड़ दिया गया। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई उनको तुरंत गिरफ्तार करा जाए, और हमारे ड्राइवर कंडक्टर अब तक एडमिट हैं, उनके अभी तक उन बेहोशी की हालत में रहे हैं कल तक। अब क्या अब चक्का जाम है क्या अभी? अब ये हम धरने पर बैठ रहे हैं और ऑटोमेटिक अपने आप ही चक्का जाम हो जाएगा रेवाड़ डिपो का, शाम को नारनौल डिपो बंद हो जाएगा और कल पूरा हरियाणा बंद हो जाएगा। कितनी बसें डिपो में खड़ी हो गई है? अब जो भी बसें हैं एक भी बसें चलेंगी नहीं, क्योंकि सभी कर्मचारी अपने चक्का जाम माने। रेवाड़ी के नई अनाज मंडी में 29 फरवरी को श्री श्याम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखते हुए पूरे शहर में काफी खास तैयारियां की गई हैं। रेवाड़ी में नई अनाज मंडी व्यापार मंडल और श्री श्याम श्रृंगार सेवा ग्रुप के सहयोग से 8वें श्याम बाबा फाल्गुन महोत्सव का आयोजन 29 फरवरी को शहर की नई अनाज मंडी में किया जाएगा। श्री श्याम महोत्सव को लेकर रेवाड़ी शहर चौक चौराहे श्याम ध्वज से सजे हुए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्याम भक्तों द्वारा शहर के नायवाली चौक, अग्रसेन चौक, महाराणा प्रताप चौक समेत सभी चौराहों पर झंडे आदि लगाकर शहर को सजाया गया है। बाबा का संपूर्ण रात्रि का कीर्तन रहेगा, और उसमें जो है चित्र विचित्र जी आ रहे हैं वृंदावन से, कुमार पीयूष जी आ रहे हैं वृंदावन के ही हैं, और जयपुर से मुकेश भांगड़ा जी आ रहे हैं। उसी दिन बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी होगा और प्रसाद की व्यवस्था भी है, दूसरे दिन भंडारा है।
ये पंजाबी एक्टर गुरु शब्द ने अपनी आने वाली फिल्म की सफलता के लिए श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका। पंजाबी फिल्मों के हीरो गुरु शब्द अपनी नई फिल्म चल मेरा पुत्र की कामयाबी के लिए श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में हम अपने संस्कारों के प्रति लोगों को जागृत करेंगे। बागपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध शराब की भारी मात्रा में कैंटर पकड़े। यूपी के बागपत में पुलिस ने शराब तस्करों के पास से 10 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस चेकिंग के दौरान कोतवाली बड़ौत पुलिस ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक कैंटर पकड़ा, जिसपे भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई थी। आपको बता दें, शराब हरियाणा से लाई गई थी। पुलिस ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कर दी गई है। दारू क्या अवैध शराब है जो हरियाणा अवैध परिवहन होता रहता है, ये बिहार साइड में और अन्य जगहों पे उत्तर प्रदेश में भी जाती रहती है। उसमें एक कैंटर पकड़ा गया आयशर, इसमें आगे केबिन बना करके शराब ले जाते थे। कुछ सूचना ऐसी थी जिससे चेकिंग हुई, पिनौली रोड चौकी जो है, इसमें 165 पेटी शराब लगभग 10 लाख रुपए की पकड़ी गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके और ये कौन इसका मालिक है, कौन बेचता है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है, रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं। खबर रामपुर से है, जहाँ बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के रामपुर में एक बस और कार आपस में भिड़ गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, हादसा शाहदबाद कोतवाली क्षेत्र के ढकिया मार्ग पर हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये जो अभी जानकारी मिली है, ये बंधार के पास एक्सीडेंट हुआ। सभी मिलकर भी जिसमें 5 लोगों की भी डेथ हुई, बाकी घायलों को हायर सेंटर में इलाज किया गया। तो सर, मरने वाले सब यहीं आसपास के क्या? हाँ, सब मिलकर भी हैं और सब नज़दीक के। सर, ये बताया जा रहा है पेट्रोलिंग कर रहे थे क्या करने? हाँ, ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। यूपी के बागपत के कस्बा बड़ौत में एक युवक पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। ये थाना बड़ौत के अंतर्गत बुराना रोड जगह है। यहाँ पर एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। 2 गोलियाँ लगी हैं, एक सिर में लगी है और एक पेट में लगी है, चेस्ट के थोड़ा नीचे। अभी इनके परिजनों से हमने बात किया है, जो इनके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि 5,000 रुपये के लेन देन का मामला था और जिस व्यक्ति ने मारा उसकी भी पहचान हो गई है। सोनू उसका भी नाम है और जो जिनकी जिनको चोट लगी जो घायल हैं उनका नाम भी सोनू है, सोनू और शरद है। इन लोगों का पहले का कोई 5,000 रुपये का लेन देन का मामला था। आज शाम को वो आया है घटना स्थल और शराब भी पी रखी थी, जैसा बताया जा रहा है उनके परिजनों के द्वारा। फिर बुलाकर के थोड़ी देर तक उसने बातचीत की है। बलिया में सांसद वीरेंद्र सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कहा कि जरूरी नहीं है कि सरकार की मंशा के अनुरूप ही अधिकारी काम करें। यूपी के बलिया में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने बोर्ड परीक्षा को लेकर कहा कि सरकार की मंशा ठीक से काम करने की है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस पर कोई अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप ही काम करे। वही अगर कोई अधिकारी सरकार के अनुरूप काम नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई करना जरूरी है। सरकार की मंशा ठीक से काम करने की है, इस जरूरी नहीं है कोई अधिकारी सरकार के मंशा के अनुरूप ही काम करे, लेकिन यह सरकार के लिए जरूर जरूरी है कि उसके मंशा के अनुरूप जो अधिकारी काम नहीं करता है उस पर। डीएम ने विद्युत और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्हें डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
बागपत में डीएम शकुंतला गौतम ने विद्युत विभाग और जल सिंचाई निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए। इसी के साथ विभाग में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार न करने की चेतावनी भी दी और कहा गया कि ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको कठोर चेतावनी जारी की जा रही है और ताकि लोग इससे ये सबक ले सके कि हमें दूसरों की तरह अपना भी काम करना है। दो एसडीओ का काम जो है थोड़ा पिछड़ा है, उनको भी सचेत किया गया है कि वो अपने काम में दूसरों के कंपटीशन में दूसरे को देखते हुए उसके अनुसार उन पर सुधार लाएं। इरिगेशन से संबंधित जो है आपका रमाला में अभी नहर की पट्टी टूटने से काश्तकारों का नुकसान हुआ है, उसमें सीडीओ साहब को और एक्सीएन साहब जो एक्सीएन है इरिगेशन उनको ये निर्देश दिए गए कि ज्वाइंटली जाकर भ्रमण करेंगे, जिन काश्तकारों की नुकसान हुआ उन काश्तकारों को मौके पर। में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।